ये क्या है बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। अकरेंस ऑफ मेटल का जो पहला पॉइंट था कंसंट्रेशन, क्या था? कंसंट्रेशन। यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, यानी उस ओर के अंदर से। सपोज ओर किसका है? जिंक का है। सपोज ओर किसका है? जिंक का। देख रहा हूँ ना मैं। सपोज जिंक का ओर है तो उस ओर के अंदर प्योर जिंक तो होने वाला है नहीं, यानी जिंक का ऐसा प्योर टुकड़ा तो होगा नहीं। वो किसी न किसी दूसरे एटम के साथ, यानी सपोज कह लो कि सल्फर है, सपोज कह लो कि क्या है, कार्बोनेट है, या ऑक्साइड फॉर्म में होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि मेटल्स काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? रिएक्टिव होते हैं। बहुत कम मेटल ऐसे हैं जो कि इनर्ट होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरह से काफ़ी सारे क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में जो मेटल होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए वो प्योर होते नहीं है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की केमिकल प्रोसेस करनी पड़ती है ताकि हम क्या कर सकें, उस कंपाउंड के अंदर से उस मेटल को निकाल सके। अब मेटल को हमने तीन कैटेगरी में बांटा था उनकी रिएक्टिविटी के मुताबिक, कि हाईली रिएक्टिव जो कार्बन से ऊपर वाले थे, यानी कौन कौन से? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये लोग काफ़ी हाई रिएक्टिव मेटल है। हाँ, अगर कंपैरिजन करा जाए तो इसके अंदर भी कोई ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कोई मॉडरेट होगा, कोई इसके अंदर भी क्या होगा, लो रिएक्टिव होगा। जैसे कि एल्यूमिनियम और अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ तो लिथियम लो रिएक्टिव हो गया और लिथियम हाई रिएक्टिव हो गया और एल्यूमिनियम क्या हो गया? लो रिएक्टिव हो गया। आ रही मेरी बात समझ में? ओके। तो ये कलेक्टिवली फॉर्म हम कह सकते हैं कि ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा, जो कार्बन से नीचे है, कार्बन से नीचे और हाइड्रोजन से ऊपर, यानी कि जिंक की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? जिंक है, आयरन है, लेड है, लेड यानी पीवी, टिन यानी SN। तो जो कुछ चार मेटल है वो है ना बेटा, ये सब क्या है? मॉडरेट रिएक्टिव। ये कैसे है? मॉडरेट रिएक्टिव। तो इनको निकालने की मेथड जो है वो अलग होने वाली है। और फाइनली कौन आएगा? लो रिएक्टिव। फाइनली कौन आएगा? लो रिएक्टिव, जो कि हाइड्रोजन से नीचे होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखो गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑलमोस्ट 99.9% क्या प्योर मिल जाता है, लेकिन कॉपर कई दफ़ा क्या मैक्सिमम मात्रा में कॉपर ही और कई दफ़ा मर्क्यूरी भी कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। तो यस, उसको निकालने के लिए एक अलग प्रोसेस होगी। यानी कहने का मतलब है रिएक्टिविटी के मुताबिक मेटल को प्योर करने की अलग अलग क्या है, मेथड है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाई रिएक्टिव मेटल से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो इनको पिघलाना है। क्या करना है? इनको पिघलाना है, मोल्टन स्टेट में लाना है। कैसे स्टेट में लाना है? मोल्टन एक्वा स्टेट में नहीं लेना। एक्वा स्टेट में लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्वा स्टेट और मोल्टन स्टेट पता है ना क्या होता है? एक्वा स्टेट क्या होता है? पानी में घुला हुआ। सपोज हमारे पास क्या है? NaCl। सपोज हमारे पास क्या है? NaCl या MgCl2 है। फॉर एग्जाम्पल MgCl2। तो अगर मैं इसको पानी में घोल दूंगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। तो वो प्योर होने वाला नहीं है क्योंकि उसके अंदर पानी की मिलावट है। लेकिन यहाँ जो हमें सेपरेशन करना है तो उसके अंदर हम लोग क्या लेंगे? प्योर फॉर्म। क्या लेंगे? प्योर फॉर्म। और प्योर फॉर्म में कैसा? लिक्विड फॉर्म है। किस फॉर्म में लेंगे? लिक्विड फॉर्म में। सर सॉलिड में क्यों नहीं ले सकते? यानी कि सपोज NaCl के अंदर से हमें Na अलग करना है, NaCl के अंदर से मुझे सोडियम को अलग करना है, तो सर इसको सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं ले लेंगे बताओ? इसको आंसर पता है? क्लास 9 में ये सब पढ़ चुके हैं। लिक्विड फॉर्म में लेने की क्या जरूरत है? लिक्विड फॉर्म में लेने की इसलिए जरूरत है बेटा कि लिक्विड चीज बिजली को अच्छे से कंडक्ट करवाती है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर मैं नमक लेता हूँ और डिस्टिल्ड वाटर लेता हूँ, सुनना बेटा ध्यान से, मैं नमक ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ? डिस्टिल्ड वाटर। जब हम इसको मिलाएंगे तो नमक सॉलिड था पहले, अब वो क्या हो जाएगा? एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? एक्वस। अब अगर मैं उसके अंदर बिजली पास करूंगा तो आराम से पास करेगा। अगर मैं प्योर डिस्टिल्ड वाटर लेता तो वो पास करने वाला नहीं था बिकॉज उसके अंदर आयंस नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है बेटा, डिस्टिल्ड H2O, इसके अंदर आयंस नहीं होते। और अगर आयंस नहीं है, सुनना ध्यान से बेटा, अगर आयंस नहीं है तो बिजली कंडक्ट होने वाली नहीं है, यानी आयंस यहाँ वहाँ जा सकते नहीं है।
ये चीज है। अगर इसके अंदर मैं क्या डाल दूं, सपोज NaCl डाल दूं, डिसऑर्डर के अंदर क्या डाल दूं, NaCl, क्या डाल दूं, NaCl, तो NaCl टूट जाएंगे, NaCl क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, किसमें टूट जाएंगे सर, Na+ NaCl-। अब जो डिस्टिल वाटर है ना वो बिजली कंडक्ट करेगा, क्यों, बिकॉज इट हैज गॉट आयन, Na+ है और उसके पास क्या Cl- है, तो आराम से इसकी मदद से बिजली कंडक्ट करवा सकता है। लेकिन हमको तो प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे पानी ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म में बिजली कंडक्ट करने वाली नहीं है क्योंकि उसके अंदर आयन नहीं बन पाते, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको पिघला देंगे, उसको मोल्टन स्टेट में लेंगे, मेल्ट कर देंगे काफी ज्यादा हाई अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोवाइड करके। जब काफी ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी चीज सॉलिड से क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, और सेम केस हम लोग करने वाले हैं, सपोज NaCl लगे तो NaCl के साथ MgCl2 लोगे तो MgCl2 के साथ, सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, क्या लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3, क्या होता है फॉर्मूला, Al2O3, यस। अगर इसको मैं मोल्टन स्टेट में लेता हूं तो एल्यूमिनियम +3 आयन बनेगा और O -2 आयन बनेगा, इसको मैं मोल्टन स्टेट में लूंगा तो Na+ आयन बनेगा और Cl- आयन बनेगा, और जैसे ये आयन बनेगा ये कंडक्ट करवाएंगे बिजली, और उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमें मेटल और नॉन मेटल का हो जाएगा, हमारा अलग अलग हो जाएगा, नॉन मेटल का तो कोई काम नहीं हमें फिलहाल, किसका काम है, मेटल का काम है, तो हमारे पास मेटल कलेक्टिवली फॉर्म में मिल जाने वाला है। तो आप उसका एक प्रोसेस देख लेते हैं किस तरह से होगा, इतना तो यहाँ से पता चल गया होगा कि हमें मोल्टन स्टेट में लेना है, सॉलिड स्टेट में बिजली कंडक्ट होने वाली नहीं है बिकॉज उसके अंदर Na+ और Cl- यानी कहने का मतलब आयन प्रोड्यूस होने वाले नहीं है। इसीलिए अगर तुम नमक का डब्बा लेते हो ना, अगर उसके अंदर दोनों तार डालोगे और उसके बाजू में अगर तुम हाथ लगा लोगे तो तुम्हें बिजली का झटका लगने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली नहीं है बिकॉज आयन नहीं है उसके अंदर, बुलारी बात सर में इस तरह से है। हमें यहाँ पे क्या लेना है, सेल, क्या लेना है, सेल, याद है अपने अंदर वो पढ़े थे अपने, फॉर्मेशन ऑफ NaOH, फॉर्मेशन ऑफ NaOH विद द हेल्प ऑफ NaCl एंड H2O। अब खुद सोचो NaCl ले रहे हैं, पानी अगर इसमें डाल देंगे तो NaOH बन जाएगा ना, हमारा सोडियम अलग हो पाने वाला नहीं है। बच्चों मेरी बात समझो, जब हमने NaCl सॉरी NaOH का फॉर्मेशन पढ़ा था तब याद है अपने क्या लिया था, ब्राइन सॉल्यूशन, और ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस H2O, और जब इनमें बिजली पास करेंगे तो क्या बनने लगेगा, NaOH, क्या बनने लगेगा, NaOH, H2 गैस अलग निकलेगी, Cl2 गैस अलग निकल जाएगी, याद है, तो यानी हमारा सोडियम अलग नहीं होता सर, अब हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पे सर, इस Na को अलग कर लेना, प्योर फॉर्म में हमें Na चाहिए, तो उस रिएक्शन के अंदर Na अलग मिल रहा नहीं था, बल्कि क्या मिल जा रहा था, NaOH, तो इसीलिए अगर यहाँ पे पानी डालोगे तो फिर वही वाली रिएक्शन हो जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई साहब पानी लेना नहीं क्योंकि रिएक्शन कुछ अलग ही होने लगेगी। ओके, खैर तो हम लोग क्या लेंगे, मोल्टन स्टेट में NaCl, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl यानी पिघला हुआ NaCl, इसके अंदर हमें क्या डालना है, रॉड, क्या डालना है, रॉड, ये रॉड को क्या बोलेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, एनोड, ये क्या होगा, कैथोड, अभी पता चल पाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा टर्मिनल किस इलेक्ट्रोड पे कनेक्ट कर रहे हो, सपोज मैं पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो यहाँ पे लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एनोड, और अगर यहाँ लगा दूंगा तो ये एनोड हो जाएगा, आई बात समझ में, रॉड इटसेल्फ कोई चीज नहीं होती कि वो एनोड होगा कि इलेक्ट्रोड कैथोड होगा, वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा टर्मिनल ज्वाइन कर रहे हो बैटरी का, आ रही बात समझ में, सपोज हमने ये बैटरी ली, बताओ ये वाला इस जो बड़ी डंडी है इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, प्लस, और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, माइनस, क्लियर है, जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो सर ये प्लस का पता रहा है, ये माइनस का पता रहा है, सब अपने डिटेल में देखने वाले हैं, दिवाली वेकेशन में एब्सेंट मत रहना, ठीक है, दिवाली वेकेशन में अपने इसको लेंगे तब लंबे में, चलो खैर, यहाँ से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी, क्या कनेक्ट कर दिया, बैटरी, ये इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली है, हमने यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देना, और स्विच भी कनेक्ट कर देंगे, चलो स्विच भी कनेक्ट कर दिया, अच्छा अगर डॉट नहीं बना रहा हूँ तो ये क्या है, ऑफ है, अगर डॉट नहीं बना रहा तो बेटा ये क्या है, ऑफ है, अगर डॉट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन, तो जब तक ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं आने वाला ना ही यहाँ पे माइनस चार्ज आने वाला है, एक बार जब तुम ऑफ ऑन कर दोगे इसको तो यहाँ पे भी पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, नहीं ये प्लस चार्ज में आ जाएगा और ये माइनस चार्ज में आ जाएगा। अब याद करो अंदर क्या है, अंदर पिघला हुआ नमक है, अंदर क्या है, पिघला हुआ नमक है, मोल्टन स्टेट में NaCl है, यानी क्या होगा अंदर Na+, क्या होगा बेटा, Na+ और साथ में क्या होगा Cl-, इतना तो समझते हो ना, अंदर बहुत सारे क्या होंगे, Na+ होंगे और क्या होंगे, Cl- होंगे। अब जैसे ही मैंने ऑन किया
यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस चार्ज प्रोड्यूस हो गया, तो बताओ कौन कहाँ जाएगा, खुद से बताओ। नहीं बच्चे दो क्लोरीन होगा बेटा, दो क्लोरीन होगा,
अरे भाई दो सीएल मार जाएगा तभी तो सीएल सीएल टू गैस बनेगी, एक क्लोरीन से सीएल टू गैस बन जाएगा क्या? नहीं। अच्छा अब जरा जरा चार्ज बैलेंस करो, जब सीएल माइनस आया तो ओवरऑल चार्ज कितना था उसके ऊपर? नेगेटिव। जब वो सीएल टू बन गया तो क्या हो गया? वो न्यूट्रल। क्या हो गया? न्यूट्रल। सीएल माइनस का मतलब क्या होता है पता है ना? यानी क्लोरीन के ऊपर क्या होगा? माइनस का क्या मतलब होता है बेटा? क्या माइनस होगा? व्हाट? एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा होगा। अरे सीएल जब माइनस लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है? सीएल क्या, सीएल माइनस कैसे बना होगा? ये भाई साहब सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, सीएल ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा तब ना सीएल माइनस बना। यहाँ उल्टा हो रहा है उसका, यहाँ क्या हो रहा है उसका? उल्टा हो रहा है। जो दो क्लोरीन थे माइनस वाले उससे क्या बन जा रहा है? सीएल टू न्यूट्रल। क्या बन जा रहा है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब बनेगा? जब दो इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थे वो निकल जाएंगे तब ना, एक क्लोरीन के ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल जाएगा, दूसरे वाले क्लोरीन के ऊपर से भी दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल जाएगा, तब वो क्या बन जाएगा? सीएल। क्या बन जाएगा? सीएल। यानी हमें यहाँ पे दो अलग से इलेक्ट्रॉन मिलने वाले। ये चीज को बेटा बहुत बेहतरीन तरीके समझो जरा, यहाँ पे ध्यान दो दोबारा से। सीएल माइनस कब बनेगा तुम पहले ये बताओ। जब क्लोरीन अकेला लेते हो सपोज, उसके अंदर तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो तो वो क्या बन जाएगा? सीएल माइनस। यहाँ उसका उल्टा हो रहा है ना बेटा, यहाँ उसका उल्टा हो रहा है ना। चलो सीएल टू लेता हूँ, चलो सीएल टू लेता हूँ। एक क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ पे कितने क्लोरीन है हमारे पास? दो क्लोरीन। सुनो बेटा ध्यान से, एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, याद है ना क्लास नाइन? उसकी वैलेंसी कितनी होती है? सेवन। हमें करने होते हैं एट, तो सात गवा दे के एक ले ले, एक ले ले, एक लेना ज्यादा बेहतर है। तो एक क्लोरीन है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो क्या बन जाए? सीएल माइनस बन जाए। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन हमने कितने ले रखे? दो। तो दो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? दो चाहिए होंगे, ताकि क्या बन जाएगा? दो सीएल माइनस। क्या बन जाएगा? दो सीएल माइनस। बट यहाँ क्या हो रहा है? उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसका उल्टा। यहाँ पे क्या हो रहा है? सीएल माइनस आया और सीएल टू बन गया। सीएल माइनस आया और क्या बन गया? सीएल टू बन गया। वही हो रहा है ना? तो बिल्कुल बेटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। यानी दो क्लोरीन माइनस आएंगे और दोनों क्लोरीन जो होंगे अपने अंदर से एक एक इलेक्ट्रॉन को वापस दे देंगे, तो दोनों क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल। क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल। और दोनों आपस में जुड़ के सीएल टू गैस बन के उड़ जाएंगे, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन रहा वो अलग हो जाने वाला है। ये रिएक्शन बिल्कुल इसकी उल्टी। बोलो बात आ रही है समझ में? आई होप कि समझ में आया होगा। तो सर ये दो इलेक्ट्रॉन गए कहां? हवा में चले गए क्या? नहीं सर, यहाँ क्या है? सोडियम। यहाँ पे क्या है? सोडियम। सोडियम वहां जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सोडियम वहां जा रहा है। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकले है ना क्लोरीन के पास से, बेटा यहाँ ध्यान दो, तो हमारे पास क्या है? Na+। क्या है? Na+। Na+ से क्या बन जा रहा है? वो सोडियम मेटल। क्या बन जा रहा है? Na+ से क्या बन जा रहा है? वो Na+ आया बेटा वहां पे और क्या बन गया? Na न्यूट्रल बन गया, यानी मेटल बन गया। तो यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आया होगा ना इसमें, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। अरे मेरी बात आ रही है समझ में? तब ना वो Na बना होगा सॉलिड फॉर्म में। ये चीज है। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन निकले ना उसको दो सोडियम खा जाएंगे। दो सोडियम क्या हो जाएंगे? खा जाएंगे। किसको? वो दो इलेक्ट्रॉन को जिसको क्लोरीन ने छोड़ा है। वो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? Na+ ले लेगा, एक्वायर कर लेगा, और वो खुद क्या बन जाएगा? टू इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो और क्या बन जाएगा? टू Na। क्या बन जाएगा? टू Na। और ये रिएक्शन कहाँ होगा? ये रिएक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। कहाँ होगा? कैथोड। अरे भाई साहब सोडियम कहाँ बन रहा है? सोडियम कहाँ बन रहा है? कैथोड। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और क्लोरीन कहाँ था? यहाँ था। यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उसको इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे मिल गया? इसके मेरी बात समझो, सवाल समझो। सवाल क्या है कि सर ये जो पहले तो ये समझ में आना चाहिए बच्चे, पहले ये चीज क्लियर है, फिर से मैं बता रहा हूँ दोबारा से ध्यान दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये अगर नहीं लिखा ना बेटा तुम्हारा एक मार्क्स चला जाएगा, एक दो मार्क्स आराम से चला जाएगा इसके अंदर। इससे भी करते इंपॉर्टेंट क्या है? ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ये तो काफी सिंपल है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? ये एनोड की अलग रिएक्शन दिखाना और कैथोड की एक अलग रिएक्शन दिखाना। सुनो वापस से ध्यान से, एनोड में क्या हो रहा है पहले तो ये दिमाग लगा। एनोड में कौन आ रहा है? सीएल माइनस। कौन आ रहा है बेटा? सीएल माइनस आ रहा है कि सीएल आ रहा है? इतना तो क्लियर है ना? सीएल माइनस है वो क्या बन गया? सीएल टू न्यूट्रल है कि सीएल माइनस न्यूट्रल है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा किसके पास होगा? सीएल टू के पास होगा कि सीएल माइनस के पास होगा? तो जरूरी है, ये मस्ट है कि सर सीएल माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया हो।
लेकिन एक अकेला Cl Cl2 बना सकता नहीं है, इसलिए दो Cl- आए होंगे साथ में और दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया होगा और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया होगा और दोनों Cl2 बन के क्या हो गए होंगे, उड़ गए होंगे। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकले दोनों क्लोरीन माइनस के ऊपर से, Cl- के ऊपर से जो दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकले उनका क्या, उनको नीचे बैठा हुआ सोडियम लेने का जो यहाँ पे आया था अट्रैक्ट होकर के। एक Na+ आएगा वो बोलेगा लाओ एक इलेक्ट्रॉन लाओ, दूसरा आएगा वो बोलेगा कि लाओ एक और इलेक्ट्रॉन लाओ, तो दो Na+ आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यही वाला ले लेंगे और क्या बन जाएगा 2Na, क्या बन जाएगा 2Na। अब एक गड़बड़ बच्चों तुम लोग ये भी कर सकते हो कि सर तुम लोग ऐसा लिख दो, जैसे सर Cl2 लिखा ना वैसे Na2 लिख देते, ऐसा होने वाला नहीं है। सोडियम जो है ना कभी मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं होता, सोडियम मॉलिकुलर फॉर्म में होता नहीं है, आई बात समझ में। ये मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, जबकि अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो ये क्या हो गया एटम, जो मेटल है वो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, सुनो ध्यान से बेटा, जो मेटल होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते नहीं है, वो एटॉमिक फॉर्म में ही होते हैं। तो कभी गलती से तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल जाए ना कि सर दो Na लिया तो Na2 हो जाना चाहिए, लेकिन Na2 बनने वाला नहीं, वो मॉलिक्यूल हो जाएगा, अगर तुम ये करोगे ना तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा और ये होता नहीं है नेचर में, ये होता नहीं है नेचर में। क्या होता है इस तरह से हो सकता है कि दो Na आजू बाजू में आ गए बस बात करो, तो ये तुम्हारा क्या होने वाला बेटा ओवरऑल रिएक्शन। अगर इसकी जगह सुनना ध्यान से, अगर इसकी जगह मैं ये ले लेता हूं Al2O3, कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ना, मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में क्यों लेना है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। मुझे खुद ही बता दो अगर भाई साहब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो क्या ये रिएक्शन होने वाला है, सर ये रिएक्शन होने वाला ही नहीं है, इसीलिए हमें मजबूरी में हमें मोल्टन स्टेट में ही लेना पड़ेगा। बोलो आ रही बात सर में, ये चीज यानी कोई भी सॉल्ट लो उसको कर दो पिघला दो, बस इतना ही काम करना, हीट एनर्जी प्रोवाइड करो उसको पिघला दो। अच्छा अगर मैं इसी के अंदर, इसी चीज के अंदर मैं क्या ले लू बेटा Al2O3, यानी क्या ले लू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या ले लिया अपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी मोल्टन स्टेट में हमने क्या ले लिया Al2O3 लिक्विड स्टेट में ले लिया। तो बताओ पहले तो नॉर्मल रिएक्शन बताओ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम अपने को मिल जाएगा क्योंकि दो है तो दो एल्यूमिनियम अलग से मिल जाएगा अपने को। अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल तो कोई ले नहीं सकता, कोई एक मॉलिक्यूल को उठा नहीं सकता, बट फिर भी सपोज अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो हमें क्या मिलता, दो एल्यूमिनियम के एटम मिलते हैं और साथ ही साथ क्या मिलता बेटा ऑक्सीजन के तीन, लेकिन सर O3 तो होता ही नहीं है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। और बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे फोर ले दो और यहाँ पे थ्री और ये कर दो, और देखो बैलेंस हो गया, जब देखो कितने मेटल और कितने नॉन मेटल है, ये टू बैलेंस करना सीखा है ना, कोई नहीं बेटा वो जो नॉर्मल जो हमने बैलेंस किया था ना बस वैसे बैलेंस कर दोगे तो हो जाएगा, कोई एकदम दिमाग में ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ओ माय गॉड तो अभी तक पढ़ा ही नहीं था ऐसा कुछ नहीं बेटा। और यहाँ ध्यान दो, यानी अगर तुम Al2O3 लेते हो तो तुम्हें क्या है, कहने का मतलब क्या है कि सर एल्यूमिनियम मिलेगा और साथ में क्या मिल जाएगा ऑक्सीजन गैस, कौन सी गैस मिल जाएगी ऑक्सीजन गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस कहाँ से मिलेगी, एनोड पे से मिलेगी, कैथोड पे से मिलेगी, एनोड पे से, और एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा। अच्छा इसका अगर मैं तुमको रिएक्शन लिखने बोलूँ कौन सा, एनोड वाला और कैथोड वाला, तो सपोज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनोड से, एनोड पे कौन आएगा सर, एल्यूमिनियम प्लस थ्री है और ओ माइनस टू, क्या क्या हमारे पास सबसे पहले तो ये जान लो, एल्यूमिनियम प्लस थ्री है और क्या है ओ माइनस टू। अच्छा एनोड पे कौन आएगा, ओ माइनस टू आएगा और क्या बन के निकल जाएगा ओ टू, ऑक्सीजन गैस बन के निकल जाएगा, यानी सर ओ माइनस टू आया, सुनना ध्यान से बेटा, ओ माइनस टू आया और वो क्या बन गया ओ टू, यानी इस तरह से कुछ रिएक्शन हुआ कि सर ओ माइनस टू आया और वो क्या बन गया ऑक्सीजन गैस ओ टू। लेकिन सर एक अकेला ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस तो बना सकता नहीं है, तो यानी जाहिर से बताते सर कितने आए होंगे, दो दो ओ माइनस टू आए होंगे, सुनो बेटा ध्यान से, दो ओ माइनस टू आ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं एनोड पे, कहाँ आ रहे हैं एनोड पे। अब देखो ये आयन है और ये न्यूट्रल है, ये आयन है और ये क्या है न्यूट्रल है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन तो चले गए होंगे ना, अगर नेगेटिव से न्यूट्रल पे जा रहे तो इलेक्ट्रॉन तो चले हो गए होंगे बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। ओ माइनस टू का बनेगा, चलो ये भी बता दो, ओ माइनस, अच्छा चलो ओ टू है मेरे पास, ओ टू है ठीक है। अच्छा अगर एक ओ लेता हूँ मैं बेटा, सुनो यहाँ पे ध्यान से बैठो,
हाथ फोल्ड करके बैठो सारे। चलो सुनो बेटा ध्यान से, क्लास नाइन की चीज़ है, बहुत सिंपल है। O2 है, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है बताओ। देखो ऑक्सीजन के ऊपर ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, छः। कितने होते हैं, छः। हमें करने कितने होते हैं, आठ। तो छः में अगर मैं दो ऐड कर देता हूँ तब आठ बन जाएगा ना आराम से। लेकिन मैं आठ बनाने के चक्कर में छः के छः को उड़ा दूंगा तो काम चलेगा नहीं सर, ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। छः को उड़ाना आसान है कि दो को ले लेना आसान होगा, अगर दो को ले लेना, यानी एक ऑक्सीजन होता ना, अगर एक ऑक्सीजन तो उसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। लेकिन O2 के अंदर तो दो ऑक्सीजन है, O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। तो अगर एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो दो दो ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे, यानी O2 को कितने चार, कितने चाहिए होंगे चार, यानी फोर इलेक्ट्रॉन। जब तुम इसको फोर इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बेटा, टू ओ माइनस टू, टू ओ माइनस टू। एक ऑक्सीजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन तो O माइनस टू बन गया, एक और ऑक्सीजन है तो वो भी बचे हुए दो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, वो क्या बन जाएगा, एक और बार O माइनस टू बन जाएगा, नहीं टू ओ माइनस टू बन जाएगा, टू ओ माइनस टू। तो यहाँ क्या रहा है, उसका उल्टा हो रहा है ना बेटा, यहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम लोग, इधर कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ। O माइनस टू आया था यहाँ पे और क्या बन गया, O2। O माइनस टू आया था यहाँ पे क्या बन गया, O2। यानी इसका उल्टा हो रहा है कि नहीं, यानी अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो इस तरह से बनेगा कि नहीं, फोर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कि नहीं। खुद सोचो, दो ऑक्सीजन आए, दो ऑक्सीजन आए, इसके ऊपर भी माइनस टू है, इसके ऊपर भी माइनस टू है, यानी इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये दोनों अपने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे और साथ में हाथ मिला लेंगे और O2 बन के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, चार। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, चार। आई बात समझ में, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होगा, कैथोड, यहाँ पे क्या है, कैथोड, यहाँ पे क्या बेटा, कैथोड। एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम को कितने की जरूरत होती है, तीन। एक एल्यूमिनियम है हमारे पास, क्या बेटा, प्लस थ्री, हमारे पास क्या है, प्लस थ्री। तो इस चार के अंदर से तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड, क्या हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम, हमारे पास क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम। अब तुम्हारा सवाल आएगा सर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो तो जब बैलेंस करोगे चीजों को तो ऑटोमेटिकली बैलेंस आउट हो जाने वाला है, मेरी बात आ रही समझ में। तुम लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे तो चार इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए लोगों ने, तो एक एल्यूमिनियम ने तो तीन इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो न्यूट्रल बन गया, तो सर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो जब तुम बैलेंस करोगे तब वो चीजें क्या हो जाएगी, आराम से बैलेंस हो जाने वाली है। बोल आ रही मेरी बात समझ में, और याद करो यहाँ पे जो टोटल जो बैलेंस करके हमने लिखा था उसके अंदर ऑप्शन कितने थे, छह थे, कितने थे, छह थे, और याद हमने कितने ऑप्शन की बात की, दो ही ऑप्शन की बात की। अरे बात समझ में, इस तरह से अगर तुम बैलेंस करते हो तो वो चीजें बैलेंस हो जाएगी। मुद्दा क्या है ये समझाने का कि सर यहाँ पर रिएक्शन ओवरऑल कैसे हो रहा है, यानी एनोड पे क्या हो रहा है और सर कैथोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे ये हो रहा है कि सर ऑक्सीजन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे रहा है और ऑक्सीजन गैस बन के निकल जा रहा है। वो जो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा, वो जो दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा, उन्हें रिलीज किए हुए ऑक्सीजन को कौन ले लेगा, एल्यूमिनियम, कौन ले लेगा, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम जो है आयोनिक फॉर्म में से, कौन से फॉर्म में से, आयोनिक फॉर्म में से क्या बन जाएगा, मेटालिक फॉर्म, कैसा बन जाएगा, मेटालिक फॉर्म, यानी वो मेटल बन करके सॉलिड स्टेट में बन के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी इस तरह से जहां सोडियम चिपका होता है ना, अब उस केस में क्या होगा, एल्यूमिनियम चिपका मिलेगा, तुमको एल्यूमिनियम की क्लियर मिलेगी। यानी हमने क्या किया, अगर तुमने देखो तो क्या किया हमने, हमने ये किया कि Al2O3 को तोड़ दिया, ऑक्सीजन गैस को अलग भगा दिया और एल्यूमिनियम को अलग निकाल दिया। और हमारा मुद्दा भी तो यही था, अरे हमारा मुद्दा क्या था, मेटल को अलग करना ना, तो मेटल अलग हो गए। यहाँ पे भी इससे पहले सोडियम मैंने लिया हमने, वहाँ पे भी हमने यही किया कि सर सोडियम अलग हो गया क्लोरीन गैस, सर क्लोरीन गैस को उड़ गया तो उड़ने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको क्लोरीन गैस का कुछ काम है, ब्लीचिंग पाउडर अगर वगैरह बनाना है, तो इसको क्या कर सकते हो तुम, डब्बे भर करके जमा कर, सिलेंडर सिलेंडर के तौर पर सिलेंडर के अंदर तुम जमा कर सकते हो, उड़ाना तो उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा फिलहाल कंसर्न क्या था, हमारा मुद्दा क्या था कि सर हमें मेटल चाहिए और हमने मेटल निकाल दिया। कितनी सी बात समझ में आई, अपने आपको जरा दो मिनट दो और जरा वापस यहाँ देखो कि सर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ तुमको, यही चीज़ है, ये जनरल रिएक्शन तो कोई भी लिख लेगा, ये तो बच्चे वाला काम है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा ये है, इसको जरा देखो ध्यान से, और इसी ये वाला जो है ना, ये डायग्राम भी काफ़ी आसानी है, कुछ नहीं करना है, प्लस को उधर भेजो, माइनस को उधर भेज दो, इस तरह से उल्टा ही करना है, ठीक है। जरा ध्यान दो, पॉज कर देते ना, दिख रहा है, यस बेटा यस,
चलो खैर ध्यान दो यार। दो अलग अलग सेल बनाएंगे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसा इलेक्ट्रोड चुनना नहीं है क्योंकि रिएक्शन में इंटरफेयर कर जाए, पार्टिसिपेट कर जाए। तो सर क्या क्या लेंगे फिर इलेक्ट्रोड में? ग्रेफाइट के ले सकते हो या तो प्लैटिनम की, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड ले सकते हैं या तो प्लैटिनम की। प्लैटिनम और ग्रेफाइट के बेटा वो इनर्ट होते हैं, क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। ग्रेफाइट यानी अपने वही पेंसिल की नोट। सपोज ये क्या हमारा एनोड है और सपोज ये क्या है कैथोड है, हमने यहाँ पे प्लस मान के चलना है। चलो क्लियर है, ये क्या हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस। आई बात समझ में? यहाँ क्या लेना है अपने को, क्या लेना बेटा यहाँ पे मोल्टेन मोल्टेन NaCl, या तो NaCl लेकर के बस लिक्विड डाल दो आप, ठीक है? बात देखिए होता है, खैर जब पिघला हुआ NaCl लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा बेटा Na प्लस, क्या होगा Na प्लस और क्या होगा Cl माइनस, बहुत सारे Na प्लस होंगे और बहुत सारे Cl माइनस होंगे। कितनी बार समझ में आई? तो जो Cl माइनस है, अब चूंकि यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि अपने सर्किट ऑन रखी है, कैसे रखी, क्या रखी अपने, सर्किट ऑन है, चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है? तो सर पॉजिटिव के पास क्या जाएगा? नेगेटिव जाएगा, बचपन से पता है अपने को। चलो ये इधर आ गया और Na कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, ये भी अपने को पता है। और यहाँ पे अगर क्या जमा होने लगेगा? Na जमा होने लगेगा सॉलिड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? ये सपोज के Na जमा हो गया और यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा होगा? यहाँ पे क्लोरीन जमा हो रहा होगा, है ना? क्लोरीन जमा होगा? नहीं सर, क्लोरीन जमा होने वाला नहीं है, वो Cl2 गैस बन के उड़ जाएगा, Cl2 गैस बन के उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना, Cl2 गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है? खैर उसके बाद का तो पता ही है, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ जाएगी, पॉलिटिकल सब हो जाएगा। खैर मुद्दा ये है कि सर एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड में क्या रिएक्शन हो रही है, यानी Na बना तो कैसे बना, Cl2 गैस बनी तो कैसे गैस बन गई, वो देखते हैं, ठीक है? सब पहले एनोड ही लिखना है, पहले एनोड ही लिखना है। सपोज एनोड तो मैं जो है ना ए लिख रहा हूँ, तुम लोग का एनोड पूरा लिखा रहे हो, ठीक है? ए फॉर एफ। चलो तो एनोड में कौन आ रहा है बेटा? Cl माइनस। कौन आ रहा है? Cl माइनस। Cl माइनस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अरे भाई Cl माइनस के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, अगर दो होता तो माइनस टू हो जाता, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है? Cl माइनस क्या बन जाएगा? Cl2। क्या बन जाएगा? Cl2। अब सर दो क्लोरीन है तो यहाँ पे भी तो दो दो Cl होने चाहिए थे, तो तुम इसको क्या ले लोगे बाद में? टू। क्या ले लोगे? टू। बोले तीन चीज से समझ में आई? अब सर ये माइनस से जीरो बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन चला गया होगा ना। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो मैं माइनस चार्ज दिखूंगा, और अगर मेरे पास वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया तो मैं तो न्यूट्रल बन जाऊंगा ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि Cl जो है वो न्यूट्रल बन जा रहा है, Cl माइनस जो है वो क्या बन जा रहा है? न्यूट्रल। यानी क्या होगा? उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। अब दो इलेक्ट्रॉन दो क्लोरीन है और दोनों के दोनों न्यूट्रल बन जा रहे हैं, तो वो क्या कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे? दो। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे? दो, टू इलेक्ट्रॉन। तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इलेक्ट्रॉन। बोले तीसरी चीज समझ आई? अभी इलेक्ट्रॉन हवा में तो जाने वाले नहीं, रिएक्शन में बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो सर इनको कौन ले? हमारे पास क्या है? Na प्लस है। हमारे पास क्या है? Na प्लस है। अब ये Na प्लस कहाँ जाएगा?
कैथोड में कहा जाएगा, कैथोड, ठीक है। कैथोड पे कौन आ रहा है बेटा अट्रैक्ट होकर के, एन ए, एन ए आ रहा है ना, एन ए आ रहा है कि नहीं, एन ए प्लस, एन ए प्लस। अब एन ए प्लस क्या करेगा, इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या अगर तुमको दोनों का दिखाना है दोनों दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, टू इलेक्ट्रॉन। लेकिन उस केस में क्या करना पड़ेगा तुमको, टू एन ए लेना पड़ेगा। अरे मेरी बात आ रही समझ में, अगर तुम चाहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन से अपने काम करके दिखा दे तो कोई दिक्कत नहीं, तब एन ए भी एक ही लेना, एन ए प्लस भी एक ही लेना। अगर तुम चाहते हो कि दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन का काम अपने दिखा देवे तो क्या करना है, टू एन ए प्लस लेना। एक एन ए जो होगा एक इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बन जाएगा एन ए, दूसरा एन ए प्लस भी होगा वो क्या करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बन जाएगा वापस एन ए, इन टोटल टू एन ए बन जाने वाले। बोलो ये चीज समझना है, ये चीज समझना है। यानी अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, कौन सा रिएक्शन ओवरऑल, यानी हो क्या, यानी टू एन ए सी एल है बेटा, टू एन ए सी एल है, उसके अंदर अगर बिजली पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, टू एन ए प्लस सी एल टू। ये तुम्हारा क्या है, जनरल रिएक्शन। ये क्या हो गया तुम्हारा, जनरल रिएक्शन। और ये इंडिविजुअल रिएक्शन, यानी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे सर इस तरह का कुछ हो रहा है और यहाँ पे कैथोड में इस तरह का कुछ हो रहा है। आई होप कि समझ में आया, काफी सिंपल से है। उसी के अंदर अगर मैं सॉल्ट बदल देता हूँ, अगर मैं सॉल्ट बदल देता हूँ, इसके जगह ले लिया आपने जिंक ऑक्साइड ले लिया या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लिया, तो क्या हो जाएगा, उस तरह का रिएक्शन होगा। आओ देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। सपोज ये वापस से क्या हमारे पास सेल है, ये क्या हमारे पास सपोज सेल है, इसके अंदर, इसके अंदर वापस क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और हमने क्या मान के चलना है भाई साहब, ये क्या होगा एनोड और ये क्या होगा कैथोड, हमेशा पॉजिटिव को इधर ही कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को यही कनेक्ट करेंगे। ये हो गया तुम्हारा प्लस और ये क्या हो गया माइनस। समझ आ रही है सर? तो जब ऑन करोगे सर्किट को, अच्छा क्या ले रखा है, तो लिया मोल्टन स्टेट में क्या लिया, Al2O3, क्या लिया Al2O3 मोल्टन, या मोल्टन मोल्टन नहीं, Al2O3 लिक्विड ले लिया। चलो Al2O3 लिक्विड स्टेट में, बोलो क्लियर है? अरे बात आ रही समझ में, चलो ठीक है। यानी सर लिक्विड फॉर्म में होगा तो अंदर क्या होगा, Al+3 होगा, अरे +3 होगा ना, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, याद होना चाहिए। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा बेटा, -2, क्या होगा -2। फिर से वही बात, ये ऑन करता हूँ इसको मैं, अगर मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और वहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, ये सी माइनस हो जाएगा। फिर से वही बात होने वाली है, सर ऑक्सीजन यहाँ जाएगा एल्यूमिनियम वहाँ जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और एल्यूमिनियम वहाँ जाएगा, और वहाँ जाके क्या हो जाएगा सर, इस तरह से वो जमा होने लगेगा, एग्रीगेट होने लगेगा इस तरह से। तो ये क्या है, ये क्या है एल्यूमिनियम, सॉलिड एल्यूमिनियम, ठीक है। और यहाँ से वही बात, यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस, कौन सी गैस, क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस नहीं निकलेगी, क्यों, क्लोरीन गैस क्यों नहीं निकलेगी, ऑक्सीजन इसीलिए, कौन सी गैस निकलेगी भाई, ऑक्सीजन गैस। यहाँ सांस लेने में मजा आएगी, यहाँ तो सांस लेने में मजा आएगी, नहीं समझे, ठीक है। आओ देखो जनरल रिएक्शन क्या होता है, अच्छा पहले वो वाला देखा है, एनोड, एनोड में कौन आया बेटा, सुहाना कौन आया बेटा, ए आया एनोड में, ए आया, ऑक्सीजन आया, तो एनोड में क्या लेना है बेटा, O-2 लेना है, O-2 से वो क्या बन जा रहा है, O2 गैस, O2। यानी सर हमारे पास कितना ऑक्सीजन है यहाँ पे, 2, तो सर यहाँ पे भी तो 2 हुआ होगा, और दोनों ऑक्सीजन मिलके कितना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, बैलेंस करना चाहते तो आओ बैलेंस कर दो, दो एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे भी दो होना चाहिए बेटा,
ऑक्सीजन यहाँ पे तीन है, तो यहाँ पे यहाँ तो दो ही है सर, तो हम क्या करेंगे इस ऑर्डर को इवन बना लेंगे, यानी हम यहाँ पे टू अगर मल्टीप्लाई करें तो टू थ्री से क्या हो जाएगा सिक्स, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा यहाँ पे थ्री हो जाएगा, तो थ्री टू से क्या हो गया सिक्स हो गया। लेकिन सर इसके चक्कर में क्या हो गया एल्यूमिनियम बदल गया, एल्यूमिनियम कितना हो गया सर चार, यहाँ तो कितना है दो, तो इसको मिटाओ चार कर दो बस काम कर। बोलो आ रही मेरी बात समझ में, यानी कहने का मतलब क्या है कि सर सुनना यहाँ से जरा फील करो इस चीज को बेटा प्लीज, बस स्टेट पे जाओ सारे फिर से इस चीज को थोड़ा सा समझो। अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएगा, अभी जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहा था ना कि सर एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अभी देखो बैलेंस कैसे हो रहा है। और देखो अगर तुम जनरल रिएक्शन देखो, सुनो बेटा ध्यान से, अगर तुम जनरल रिएक्शन देखो तो ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन कहते हैं यहाँ पे टोटल थ्री टू जै सिक्स, अरे थ्री टू जै सिक्स ना, यानी यहाँ पे दो के बदले में छह ऑक्सीजन ले जाएगा, और छह ऑक्सीजन लेके क्या बनाएंगे थ्री ओ टू बनाएंगे बेटा, छह में से दो साथ में मिल जाएंगे, दो साथ में मिल जाएंगे, दो साथ में मिल जाएंगे, और साथ में मिलने के लिए सब अपने अंदर से दो दो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, अरे एक ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, तो छह ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा बारह, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वेल्व, यानी हमारे पास ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन का सेट है हमारे पास। एल्यूमिनियम कितना है सर यहाँ पे फोर है, तो यहाँ पे फोर ले लेंगे, एक एल्यूमिनियम को तीन की जरूरत है, अरे तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना न्यूट्रल बनने के लिए, तो चार को कितने की जरूरत होगी बारह, ठीक है बारह चुपचाप से यहाँ पे आ जाए और हमारे पास फोर एल्यूमिनियम बच जाएगा। मैं ये चीज बता बैलेंस करके तो हो जाएगा चीज, लेकिन अगर इतना तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि सबको बैलेंस करते बैठो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो पहला वाला भी कर सकते हो, यानी तीन इलेक्ट्रॉन लेकर के जो सेट किया था अपने वैसा कर सकते हो। तो मुद्दा क्या है सर, हमने ये इस एल्यूमिनियम को यस बेटा क्या हो गया अलग कर लिया, ऑक्सीजन गैस वोटे तोड़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको जमा करना तो जमा भी कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर, जिंक ऑक्साइड लोगे तो जिंक अलग हो जाएगा ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, जिंक क्लोराइड लोगे तो जिंक अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस उस केस में अलग हो जाएगा।